तो आइए आज हम बात करते हैं किस तरह से हमें अपने इग्नू असाइनमेंट 2021 सेशन को सबमिट करना है, क्या करना है, वो सभी हम आज डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में विल डिस्कस की किस तरह से प्रिपेयर करना है असाइनमेंट्स। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कि हमें कैसे सबमिट करना है, एंड लास्ट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है असाइनमेंट्स को। तो आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। सो नंबर वन आपका रहना चाहिए फ्रंट पेज। सबसे आगे क्या होगा, आपका फ्रंट पेज रहेगा, उसके ऊपर जो आपको लिखना है, जो जैसे भी आपको प्रिंट करके जो लाना है, ये पेज आपके पास होना चाहिए, यही सीक्वेंस रहेगा। प्लीज़ इसे देख लीजिए, मैंने पहले ही बताया हुआ है, फ्रंट पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ योर आईडी कार्ड की जो कॉपी है ये होनी चाहिए नेक्स्ट पेज पर। अगले पेज पर आपके होने चाहिए सारे आपके वैलिड असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स के प्रिंट आउट। यस, सारे पेपर जो के क्वेश्चन पेपर होंगे आपको उसको भी वहाँ पे डालना होगा। नेक्स्ट थिंग इज़ योर हैंड रिटन असाइनमेंट्स। हाथों से लिखे जो भी आपके असाइनमेंट के आंसर्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ऑन A4 साइज शीट्स। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, कोई भी चीज़ें आपकी प्रिंटेड मटेरियल नहीं होंगे, सब कुछ हाथों से लिखी जाएंगी। एंड नाउ ऑन ईच एंड एवरी पेज आपको मेंशन करनी है तीन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर, नेक्स्ट इज़ योर नेम एंड एनरोलमेंट नंबर। ये तीनों चीज़ें आपको हर एक पेज पे मेंशन करना ही है। नेम एनरोलमेंट नंबर आप बॉटम ऑफ द पेज पे आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट किस तरह से आपको असाइनमेंट्स को प्रेजेंट करना है। ठीक है, ये तो प्रिपरेशन हो गया असाइनमेंट्स की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम अब असाइनमेंट्स को कैसे सबमिट करेंगे, ठीक, किस मोड पे करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हमने जो है ऑनलाइन असाइनमेंट्स हमने जो सबमिट करी हैं कहीं कहीं पे किसी ने ऑफलाइन किया है आफ्टर लॉकडाउन के खत्म होने के बाद, लेकिन अब हम कैसे सबमिट करेंगे। तो अब सबमिट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं, टू मोड्स। नंबर वन, बाय हैंड टू योर लर्निंग स्टडी सेंटर। आपके स्टडी सेंटर आप जाएंगे और अब वहाँ पे आपको उनको हैंड ओवर कर देंगे, जो आपकी हार्ड कॉपीज हैं अपने असाइनमेंट्स की वो सारी आपको ऐसी दे देनी है। लेकिन हर एक की स्टडी सेंटर नहीं खुली है, सब ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबके स्टडी सेंटर्स खुले होंगे, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड एवरीथिंग जो हमारा अभी पेंडेमिक चल रहा था उसकी वजह से ही जो है ये सब हमारे बहुत सारे स्टडी सेंटर्स बंद हो चुके हैं। सो दैट इज़ वाई उसी के लिए जो है हमने सेकेंड हमारे इन्होंने जो डाला है मोड वो है हमारा ऑनलाइन मोड, जो पहले भी हमने फॉलो किया था वही सेम फॉलो करना है। दैट इज़ यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट्स ऑनलाइन थ्रू गूगल फॉर्म्स। यस, अब जो ईमेल आईडीज़ पे ईमेल कर देने के लिए जो हम पहले हमने देखा था वो अब नहीं है। किसी किसी रीजनल सेंटर्स में मे बी हो कि वो ईमेल्स के थ्रू ले रहे हों, बट हमें अब अपने सारे असाइनमेंट्स को गूगल फॉर्म्स के थ्रू ही सबमिट करना है। और उसके आपके बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं फॉलो करने हैं वो अभी हम अभी डिस्कस कर लेंगे। बट दीज आर द टू वेज एंड मोड्स थ्रू विच यू कैन सबमिट योर असाइनमेंट्स फॉर द सेशन 2021। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू यू नो सबमिट द असाइनमेंट्स ऑनलाइन। तो पहले सबसे पहले नंबर वन, आपको हर एक पेज पर ऑन ईच एंड एवरी पेज बॉटम पर तीन चीज़ें ज़रूर मेंशन करनी है। जब आप ऑनलाइन भरते हो तो आपको ये ज़रूर चीज़ें मेंशन करनी है, तीन चीज़ें। नंबर वन इज़ योर पेज नंबर, नेक्स्ट इज़ योर नेम एंड योर एनरोलमेंट नंबर। ये हर एक पेज पे होना ज़रूरी है अगर आप गूगल फॉर्म्स के थ्रू अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करते हैं, राइट। सो रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट थिंग इज़ कैट, आपको अपने सारे असाइनमेंट को PDF फाइल में स्कैन करके एक PDF फाइल में कन्वर्ट कर लेना है, कंपाइल करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास पांच सब्जेक्ट्स यानी पांच कोर्सेज हैं तो आपके पास पांच PDF फाइल्स होंगी, राइट। नाउ अब जब आप गूगल फॉर्म में इसे सबमिट करते हैं तो आप इसी हर एक PDF फाइल को एक बार सबमिट कर रहे हो, यानी कि अगर पांच सब्जेक्ट्स हैं, पांच कोर्सेज हैं, तो पांच बार आप सबमिट कर रहे हो गूगल फॉर्म में, ओके। और आपके असाइनमेंट्स जो आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं वो रिजेक्ट भी हो सकते हैं, वाई, अगर आपने सही ईमेल एड्रेस प्रोवाइड नहीं किया है, अगर आपने जो इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दी हैं वो आपने फॉलो नहीं किए। फॉर एग्जांपल, हर एक पेज पे ये सब चीज़ें मेंशन करना, ठीक है, फ्रंट पेज रखना, आईडी कार्ड मेंशन करना, असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स मेंशन करना, ये सारी चीज़ें अगर मेंशन नहीं करते हो तो आपके असाइनमेंट जो है ऑनलाइन के थ्रू भी सब जो होते हैं रिजेक्ट हो सकते हैं। तो हमें रिजेक्ट नहीं करना है। इवन इफ आप अगर मल्टीपल टाइम सबमिट कर रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन भी अगर बहुत बार 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 आपने भेज दिया तो रिजेक्ट हो सकता है, अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह देके जा रहे हो तो भी रिजेक्ट हो सकता है। तो एक ही चीज़ करनी है, या तो आप ऑनलाइन दो या तो ऑफलाइन दो। ऑफलाइन आप तभी दे सकते हो अगर अवेलेबिलिटी है भाई आपके सही सेंटर की। सो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पहले पता कर लेनी है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको लास्ट में मैं आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दूंगी जो आपको फॉलो करनी होगी कि किस तरह से आप मतलब जो भी आपको ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है वो मैं आपको लास्ट में एक बार आपको दोबारा से आपको समझा दूंगी। नाउ हर एक PDF फाइल का जो आप नेम होता है
वो भी आपको चेंज करना होगा, जो नेम फॉर्मेट होता है पीडीएफ का, जो नेम फॉर्मेट है वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। और कैसे करना होगा, आपको बेसिकली अपना एनरोलमेंट नंबर, देन अंडरस्कोर एंड देन कोर्स कोड डालना है। फॉर एग्जांपल नंबर है 1234567890 एंड आपका कोर्स कोड है MS01, तो आप इस तरह से अपने पीडीएफ फाइल का जो नेम है, फॉर्मेट है, इस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे और तभी वो क्या करेंगे, गूगल फॉर्म वो तभी एक्सेप्ट करेगा और जो भी आपका रीजनल सेंटर है उसे एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से आप करिएगा हर एक पीडीएफ फाइल को भी, इस तरह से उसका नेम फॉर्मेट आप इस तरह से फॉलो करेंगे। ऑलराइट, नाउ ईमेल, आप जो आईडी देते हैं अपनी ईमेल आईडी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप करेक्ट ईमेल आईडी दें, क्योंकि उसी ईमेल आईडी पे आपको रिसीट मिलेगी दैट यू हैव सबमिटेड योर मतलब असाइनमेंट। उस हिसाब से आपको जो रिसीट मिल जाएगी उसमें आपको दिख भी जाएगा कि आपने क्या सबमिट किया है, वो आप लिंक क्लिक करेंगे और आपको नज़र आ जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि ईमेल एड्रेस आप जो देते हैं वो करेक्ट ईमेल एड्रेस हो और आपके पास वो सेफ रहे, जो एक्नॉलेजमेंट मिलते हैं आपको, जो रिसीट मिलेगी वो आपको उसी ईमेल आईडी पे शो कर जाएगी। इवन इफ आप आगे जाके कुछ होता है कि आप मिसप्लेस हो जाता है या आपके मार्क्स अपलोड नहीं हो रहे हैं टाइमली या कुछ होता है, तो आप ये रिसीट आप शो कर सकते हैं। दैट इज़ वाई ईमेल एड्रेस का सही होना भी ज़रूरी है। नाउ रिमेंबर दैट कि जो असाइनमेंट पीडीएफ फाइल होती है वो उसका साइज़ भी मैटर करता है। सो मैक्सिमम साइज़ कितना है, 10 MB है, सो इट शुड बी विद इन 10 MB। इससे ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, वो वहाँ पे सबमिट ही नहीं कर पाओगे वहाँ पे बार बार। तो आपको ये ट्राई करना है, कंप्रेस कर लेना है अपने फाइल्स को, जो पीडीएफ फाइल्स है कंप्रेस करके जो 10 MB के अंडर हो जाए वैसा करना है। आई होप कि आपको इंस्ट्रक्शन समझ आ गई होंगी कि ऑनलाइन मोड के थ्रू हमें असाइनमेंट्स को कैसे सबमिट करना है। नाउ लास्टली मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऑनलाइन देना है कि ऑफलाइन देना है, इसी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको जाना है इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये रीजनल सेंटर्स का ये नेटवर्क। नाउ यू विल सर्च योर रीजनल सेंटर, यहाँ पर अपने रीजनल सेंटर पर क्लिक करेंगे, वहाँ आपकी वेबसाइट वहाँ पर आपकी खुल जाएगी। खुलते ही आपको वहाँ पर सर्च करना है असाइनमेंट सबमिशन मोड के लिए, लिंक के लिए, ठीक है, उस तरह से आपको वहाँ दिख जाएगा और वहाँ पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा कि आपको ऑनलाइन देना है कि ऑफलाइन देना है, ठीक है। ऑनलाइन जहाँ से देना है ऑनलाइन के लिए वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म के लिए, अदरवाइज ऑफलाइन जाना है तो ऑफलाइन आप, अगर ऑफलाइन का ऑप्शन है तो आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं। तो आपको ये बिल्कुल चेकआउट करना है, उन लिंक्स को ये ज़रूर देखना है, क्योंकि हर एक रीजनल सेंटर्स का जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो डिफरेंट होता है। फॉर लॉट ऑफ सेंटर्स गूगल फॉर्म के थ्रू ही भेजा जा रहा है, दैट इज़ व्हाई मैंने यहाँ समझाया है। अदरवाइज अगर ऑफलाइन अवेलेबल है आपके रीजनल सेंटर के लिए तो प्लीज़ आप ऑफलाइन ही दें, क्योंकि वो बेटर है, वो ज़्यादा तामझाम नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। यू आर लकी दैट दे आर एक्सेप्टिंग इट ऑफलाइन। सो ये आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट थिंग, अगर आपको ऑनलाइन बोला गया है तो और आप ईमेल करते हैं, जैसे पहले ईमेल के लिए आया था, ईमेल नहीं करेंगे आपको भी कोई भी असाइनमेंट को है जो वो आरसी जो है आपकी रीजनल सेंटर वो ईमेल के थ्रू एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर उनके इंस्ट्रक्शंस में ऐसा है, बिकॉज वो आपकी ईमेल को ना तो वो आपको कोई रिस्पॉन्ड देंगे, कोई रिप्लाई करेंगे, कुछ नहीं होगा। इवन आपकी जो असाइनमेंट्स है उसको देखा भी नहीं जाएगा और वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपको फिर मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो ज़रूरी है कि अगर आपने ईमेल भी कर दिया है गलती से तो कोई बात नहीं, आप असाइनमेंट को फिर से गूगल फॉर्म के थ्रू भी सबमिट कर सकते हैं, देयर इज नो नीड टू वरी। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ आ गया है, दो मोड्स हैं, ठीक है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जिस पर आप अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन जस्ट कमेंट ऑन बिलो एंड आई विल आंसर यू। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्रेन गेम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर सच काइंड ऑफ वीडियोज ऑन इग्नू।